हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। जी हाँ, ये समर स्किन केयर रूटीन होने वाला है और ये वीकली स्किन केयर रूटीन है, क्योंकि वीकली स्किन केयर रूटीन में हमारे जो होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड स्क्रबिंग फेस पैक वगैरह आते हैं। एंड डेली स्किन केयर रूटीन की बात करूँ तो उसमें सीटीएम होता है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और ये आप ये सब जानते हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, वो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन था। तो खैर, बात करते हैं। तो अभी फिलहाल गर्मी आ चुकी है और गर्मी आने के साथ बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। एक्ने हो, पिंपल की प्रॉब्लम हो, ईचिंग हो, इरिटेशन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप फिर इसके पीछे बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, तो इस पैसे खर्च करने के साथ साथ हमें क्या होता है, इसका रिजल्ट भी नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है, आज मैं हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल है, नेचुरल है, और आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट हैं आप सब देख सकते हैं, सब ईजी हैं, आपको आराम से मिल जाएंगे घर पर, कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने वाले। और सबसे खास बात, अगर आप टीनेजर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप 30s में 40s में तो भी आप इसे यूज़ करते हैं, तो हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल सब कोई इसे यूज़ कर सकता है। ऑल स्किन टाइप्स होने वाले, स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन या एक्ने प्रोन स्किन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो इसमें भी जो चीज़ें ऐड की हैं, जो टोनर वगैरह यूज़ किए, वो स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे कच्चा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि कच्चे दूध से अच्छा कोई भी क्लींजर हो ही नहीं सकता। तो जैसे ये स्किन केयर रूटीन DIY स्किन केयर रूटीन है, तो मैं यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पके हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं करना क्या है, आपको इस तरीके से कॉटन बॉल लेनी है, या आप कॉटन बॉल या जो कॉटन पैड चला है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ पार्ट लेंगे और इस तरीके से हम दूध में इसको डिप करेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद मैं आपको जैसे अपने हाथों पे करके बता रही हूँ, आपको इसी तरीके से अपने फेस के सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, और आपके फेस से जितनी भी गंदगी होगी, जितनी भी डर्ट आपके फेस में पोर्स में अंदर चले, बिल्कुल डीप क्लीन कर देगा और आपके फेस को बिल्कुल साफ कर देगा। ये साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। इस तरीके से आपको फेस को क्लीन करना है। तो दोस्तों, क्लिनजिंग हमारी हो गई। क्लिनजिंग के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप आता है वो है स्क्रबिंग। जी हाँ, ये स्किन केयर रूटीन है और इसके लिए वीकली स्किन केयर रूटीन में शामिल होता है स्क्रबिंग। जी हाँ, अगर आप डेली इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डेली स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 बार ही स्क्रबिंग करनी चाहिए। तो जैसे मैं इसमें आपको स्क्रबिंग ऐड करके बता रही हूँ, तो स्क्रबिंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें लेनी, और आप सामने देख रहे हैं, आपको शक्कर लेना है, और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है टमाटर, और आपको उसे यूज़ करने का तरीका ही बहुत आसान है। तो कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मैंने इस तरीके से टमाटर को आधे पार्ट में काट लिया था। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे शक्कर में हल्के से डिप करना है, ताकि जो हमारी पूरी शक्कर इस पर इस तरीके से लग जाए। उसके बाद हम अपने हाथ की हल्के इस तरीके से मसाज करेंगे, ताकि जो हमारे जो डेड सेल है वो भी रिमूव हो जाए। साथ में हमारे फेस पर टैनिंग हो रखी है, ब्लेमिशेस है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरीके से मैं अपने हाथों पर आपको करके बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है, और इसे हम हल्के हाथों से मसाज करते रहेंगे। इस तरीके से हम इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और इसे लगा करके छोड़ देंगे। तो फिलहाल मैंने इसे लगा लिया है, और इसे हम क्या करेंगे, मेरी जो शक्कर थी मोस्टली मेल्ट हो चुकी है, तो बस इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। तो दोस्तों, स्क्रबिंग हमारी हो गई थी और मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया, और आप देख सकते हैं सिर्फ स्क्रबिंग करने से ही मेरे हाथों का रंग कितना ज़्यादा निखरा लग रहा है। अभी तो मैंने फेस पैक भी नहीं लगाया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाथों का रंग निखरा लग रहा है। तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है फेस पैक का। जी हाँ, क्योंकि स्किन केयर रूटीन में फेस पैक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऐड करेंगे वो है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है मुलैठी पाउडर। तो मैं यहाँ पे जो मुलैठी पाउडर ले रही हूँ, मुलैठी पाउडर भी हम इसके इक्वल क्वांटिटी में ही लेंगे। मुलैठी पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली जिनके फेस से बहुत ज़्यादा बाल होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपने सुना होगा अक्सर इसका यूज़ हमें उपटन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तो मुलैठी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, तो मुलैठी पाउडर को इसमें ऐड करेंगे। मैं भी यहाँ पे 1 चम्मच के करीब दोनों को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम चंदन पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें ऐड करेंगे। लाल चंदन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम 1/2 से 1.25 चम्मच के करीब इसमें यूज़ करेंगे, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है रोज़ वाटर। जी हाँ,
तरीका बता रही हूँ आपको क्या करना है। जैसे कि आप अपने हाथों से भी लगा सकती हैं, ब्रश से, तो मैं फिलहाल यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ब्रश को हमें इस तरीके से डिप करना है और इसे हमें फेस पे अप्लाई करेंगे। तो बस मैं आपको अपने हाथों में बता रही हूँ, आपको अपने इस तरीके से फेस पे लगाना है। तो दोस्तों बस आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनटों में पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने तो दोस्तों आप टोना बनाने के लिए सबसे पहले लेना है हमें एक पैन, या तो आप उसे बर्तन ले सकते हो, उसमें हम एक ग्लास के करीब पानी डालेंगे जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सिर्फ दो चीज़ें डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं हमें। तो हम जो सबसे पहली चीज़ डालेंगे वो है पुदीना जी। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने इसे धो लिया है अच्छे तरीके से, और इसके मैं एक मुट्ठी के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें दूसरी चीज़, अगर आपको फ्रेश लीव्स नहीं मिलती तो आप ड्राई फॉर्म में जो आता है पुदीने का पाउडर आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है नीम की पत्तियाँ जी। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे सूखी नीम की पत्ती यूज़ करें, अगर आपको ताज़ी मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे डाल सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को हमें डालना है और एक उबाल आने के बाद हम अपनी गैस की जो आँच है उसको धीरे कर देंगे। तो सब देख सकते हैं पानी में जो है हमारे उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गैस की जो आँच है उसको स्लो कर देंगे। तो सब देख सकते हैं पानी जो हमारा है बिल्कुल आधा हो चुका है, जितना मैंने डाला था एक ग्लास के करीब, तो उसका आधा ग्लास हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की जो आँच है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे और उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे एक बर्तन में छान लेंगे। तो दोस्तों मैंने हमारा जो मिक्सचर था वो ठंडा हो चुका है। अब आपको इसे एक आइस ट्रे में से जमाना है जी। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले भी कुछ बना करके रखे जिसे मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो अब हम इस मिक्सचर को अपने इस आइस ट्रे में एक एक इस तरीके से हम इसे जमा लेंगे। या दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी जो पूरी ट्रे थी वो पूरी भर चुकी है। ये जो हमारा है एक तरीके से हमारे पोर्स को टाइट भी करेगा, हमारे स्किन को टोन भी करेगा, तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑयल को भी, ये हमारे जो हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल निकलती है उसको भी ये बहुत हद तक रिमूव करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसे अब हम क्या करेंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों मैंने जो आपको अपना आइस क्यूब बनाना बताया था टोनर का, उसको आपको इस तरीके से लेना है और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करना है, ताकि जितने भी पोर्स आपके ओपन हो गए क्लिनजिंग से वो सारे के सारे क्लॉक हो जाए। बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको अपने हाथों पे फेस पे रब करना है। मैं हाथों पे बता रही हूँ, आपको सेम इसी तरीके से फेस पे करना है और कुछ सेकंड तक आपको उसे करना है, उसे इस तरीके से छोड़ दिए, ताकि जो आपके स्किन में ये अंदर जा करके आपके जो पोर्स को टाइट कर दे। तो बस इस तरीके से करना है और उसे हम सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, उसके बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। तो दोस्तों बस हमारा ये हो गया। अब लास्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है मॉइस्चराइजर का। जी हाँ, मैं यहाँ पे खुद का बनाया हुआ ग्लो सीरम यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। तो बस इसको हम ग्लो सीरम लगाएंगे अपने हाथों पे। आप इसकी जगह कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो आप वो लगा सकते हैं। तो बस हम इस तरीके से इसे लगाएंगे और लगा करके इसे छोड़ देंगे। हमारा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो गया है। आपको इसे हफ्ते में एक बार या दो बार भी इसे यूज़ कर सकते हो तो बहुत है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ग्लो मेरे हाथों पे आया है। अगर आप इसे फेस पे करते हैं तो आपको इसी तरीके से आपके फेस पे ग्लो आएगा, बहुत ही अच्छा सा। तो ये थे मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।